जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान धरने पर बैठे सांसद किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। इधर पुलिस पर मीणा ने आरोप लगाया है कि हाथापाई के साथ ही घटना को अंजाम देने की कोशिश भी की गई है। उधर बताया जा रहा है कि पुलवामा शहीदों के 3 वीरांगनाओं के धरने को जबरन खत्म करने के बाद ही पुलिस ने मीणा को हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत खराब हो गई थी, इसी दौरान उसे गोविंदगढ़ CHC में लाया गया, फिर वहां से उसे SMS अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद सांसद के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे और लालसोट दौसा हाईवे को जाम कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा से हुई इस अभद्रता के खिलाफ शनिवार को भाजपा आंदोलन करेगी। इधर जैसे ही किरोड़ीलाल को SMS अस्पताल लाया गया है तो सैकड़ों समर्थक वहां पर पहुंच गए हैं। लोग अस्पताल के अंदर जाने की मांग पर बाहर हंगामा कर रहे हैं। BJP नेता राजेंद्र राठौर भी राज्यसभा सांसद से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो भी कुछ भी किरोड़ीलाल मीणा के साथ किया है वो प्रदेश के गृह मंत्री के कहने पर किया है और प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। वही बताया जा रहा है कि आज के दिन शनिवार को जो भी आंदोलन होगा उसके दौरान पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।